आजकल हम सभी बाहर से मिठाइयाँ खरीदना अवॉइड कर रहे हैं और फेस्टिवल सीजन भी आ गए, तो ऐसे में घर में कुछ मीठा बनाने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप सबके साथ रवा लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसे गरम करेंगे और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है और इसे मेल्ट होने देंगे। यहाँ मैंने 15 से 20 आलमंड लिया, मैंने इसको फ्राई करूँगी। मैं 1-2 मिनट भुनने के बाद इसमें मैं काजू डाल रही हूँ 15 से 20, उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे ही। ये हल्का सा क्रैकल होने लगा, आवाज़ आने लगी। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। ये हमारे हो गए काजू बादाम, भुन गए अच्छी तरह। अब इसी घी में मैं 15 से 20 किशमिश भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से रोस्ट करूंगी। ये जल्दी भुन जाते हैं, 1-2 मिनट भुनने के बाद ये हल्की फूलने लगेगी, तो इसे भी मैं उसी प्लेट में निकाल लूंगी। अब ये जो बचे हुए घी है उसी में मैं ये नॉर्मल सूजी डाल रही हूँ जो हमारे घरों में आती है, वो नॉर्मल सूजी से रवा भी कहते हैं। यहाँ मैंने 2 कप सूजी डाली है। और इसे मैं लो फ्लेम पे भूनूंगी। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, 5-7 मिनट लगते हैं। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा और इस पर अच्छी तरह कुक हो जाएगी ये सूजी। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए, इसे मैं छोटी छोटी पीसेस में कट कर लूँगी। बीच बीच में हम अपनी सूजी को भी चलाते रहेंगे, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स कट गए। सूजी भी हमारी भुन गई अच्छी तरह से, कोई लम्स इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए। यहाँ मैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया मैंने, इसे मैं डाल दूँगी। और 2 से 3 मिनट इसे भी साथ में कुक करूंगी। उसके बाद मैंने 2 कप से थोड़ा कम यहाँ चीनी डाला है। चीनी मैंने पीसा नहीं है, साबुत चीनी है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 1.5 कप भी डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 2 कुटी हुई इलायची भी डाल रही हूँ। ये सारी कुकिंग हम लो फ्लेम पे ही करेंगे। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, चीनी हमारी मेल्ट होती जाएगी। उसके बाद इसमें 1 कप मैं मलाई ले रही हूँ, ये घर की मलाई है।
से अच्छी तरह मिक्स करूँगी, जिसके मलाई के मिक्सचर से हमारी चीनी जो हमने डाला है वो मिक्स मेल्ट होती जाएगी। और इसे अच्छी तरह लो फ्लेम पे हम बनाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बन के मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे मैं अब एक प्लेट में डाल ले रही हूँ ठंडा होने के लिए। अगर आपको मिक्सचर थोड़ी सूखी लगे तो आप एक दो चम्मच दूध भी डाल सकते हो। जब ठंडी हो गई हमारे मिक्सचर, अब इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। हल्की हल्की गरम मिक्सचर रहेगा तभी हम इसे लड्डू बना लेंगे। हमारे लड्डू फेस्टिवल्स के लिए तैयार हो चुके हैं। इसे आप घर में ज़रूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। ये अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और आगे की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।